मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवीय की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं, और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है, और मैं शायद बहुत लंबे अरसे तक इस मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। शायद जजीज को ऐसी मीटिंग में आने का जितना अवसर मिला होगा उससे ज़्यादा मुझे मिला है, क्योंकि मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में आता रहता था। अब यहाँ बैठना मौका आ गया है तो यहाँ से आता रहता हूँ, तो एक प्रकार से मैं इस महफिल में सीनियर हूँ। एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया, लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए। मैं आज सब सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए, आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी।